देखिए फिलहाल तो हमारी नज़र कल की मीटिंग पर है, लेकिन इससे पहले हमने कल परसों की जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने तय कर लिया था कि अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है या मीटिंग नहीं होती है तो 1 जनवरी 2022 से नो बिलिंग, नो परचेजिंग, नो डिस्पैचिंग, नो पैकिंग, ये सोच के रखा है कि एक बार हम व्यापार ही नहीं करेंगे। फिलहाल तो ये सोच के रखा है, फिर आगे की रणनीति व्यापारियों के साथ मिलकर बनाएंगे, पदाधिकारियों के साथ मिलकर। देखिए मैं ये मानता हूँ कि आज का बंद कोई व्यापारी के नुकसान करने के लिए नहीं बुलाया गया है, परंतु आगामी दिनों में सरकार द्वारा 5% से 12% जो टैक्स दर बढ़ाई गई है और उसमें 1-1-2022 के बाद जो हमारा भविष्य दाव पे लगा है उसके बंद का ऐलान किया गया है कि इस तरीके की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं मृत्युखंड साबित होगी सूरत के लिए। आज जो सूरत बंद रहा है और पिछली तारीख है हमारे इस महीने की, तो हम मानते हैं कि दिल्ली का जो 150 करोड़ रुपए का हमारा अपना सेल है वो कहीं ना कहीं एक बार थम जाएगा, तथा जितने भी कल कारखाने हैं, चाहे वो वीविंग लूम्स के चाहे एम्ब्रॉयडरी के, उन सबका रोजगार एक दिन के लिए प्रभावित होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 185 मार्केटों के 65,000 व्यापारियों का संपूर्ण रूप से बंद है, पूरा रिंग रोड और सारोली तथा जितने भी हमारे हाउस है उन सभी ने हमारा साथ देकर के संपूर्ण रूप से बंद रखा है। मैं ये मानता हूँ कि सरकार वैसे इसमें पॉजिटिव रहेगी, कारण है कि हम भी पॉजिटिव है क्योंकि पिछले 14 दिनों से हमारे जिस तरीके से प्रयास माननीय निर्मला सीतारमण जी से, कपड़ा मंत्रालय से हुए, उसके बाद हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई और हमारे सभी व्यापारियों के संगठनों ने, देश भर के संगठनों ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई उसी के चलते कल की जो GST काउंसिल की मीटिंग वित्त मंत्रालय ने रखी है, तो मैं मानता हूं कि उसमें एक बार स्थगित होने का आसार है, क्योंकि जो कल की मीटिंग रखी है और देश के आंदोलन और देश के जिस तरीके का माहौल है उसको कहीं ध्यान रखते हुए व्यापारी वर्ग को सुना जाएगा, संवाद किया जाएगा, उसके बाद GST काउंसिलिंग की मीटिंग में कोई निर्णय लेगी सरकार, ऐसी हमें पूर्ण उम्मीद है।